मैं चैनल भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम टी एच फाइव जीरो वन क्विज़ नंबर थ्री है इसका तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट इसका जो इंस्ट्रक्शंस uh, इसके आप लोगों ने केयरफुली पढ़ लेनी है जो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं आप लोगों ने बैक बटन प्रेस नहीं करना बैक स्पेस बटन और स्पेशली डोंट रिफ्रेश द पेज अन बिला वजह उसको रिफ्रेश नहीं करना तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इफ़ एंड बी आर रो इक्वल एंड दैन इफ़ एंड ओनली द क्रोसपॉन्डिंग कॉलमन वैक्टर ऑफ बी आर ए गिवन सेट ऑफ कॉलम वैक्टर ऑफ ए तो इसके लिए हम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी वो बट अनलिनियरली इनडिपेंडेंट होंगी और लीनियरली वो डिपेंडेंट होंगी तो जो नेक्स्ट है जी इफ लेट एन 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 बी, बी वाई एन मेटिक्स होज डिस्निक अलाइन वैल्यूज़ लैमडा वन से लेकर लैमडा पी तक है फोर इफ़ वन लेस देन और है के के और लेस देन और इक्वल टू है पी के द डायमेंशन ऑफ दी आइजन स्पेस ऑफ लैमडा इज तो इसके लिए हम लेस लेस देन होगा उससे और स्पे, और इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेस होगा और उससे उसकी मल्टीप्लिकेशन के उसके इक्वल होगा she can't do. ओके तो नेक्स्ट है जी द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटी मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे जिनमें वर्टिकल जो लाइन होती है उनमें वन वन होता है तो वो हमारी uh, क्या कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है और उसका डिटर्मिनंट जो है हमेशा ऑलवेज़ उसका वन आएगा और उसकी कोई आउटपुट ना वो जीरो के इक्वल आएगा ऑलवेज़ उसका वन होगा यहाँ पर दे जैसे कि हम देख सकते हैं द डिटर्मिनट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इन इज़ ऑलवेज़ वन एंड द ज इक्वल टू एन तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा ही वन आएगा इफ़ टू मैट्रिक ए एंड बी आर रो इक्वल एन देंद द रो स्पेसिस आर द अगर टू मैट्रिक्स जो हैं वो उनकी रो बराबर हों तो उनके रो स्पेसिस जो है वो भी सेम होगी तो ये हम देख लेते हैं देखें ए इन लीनियर अल्जब्रा टू मैट्रिकसिस आर रो इक्विलेंट इफ़ वन कैन बी चेंज टू तो द एन अदर बाय द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन तो रो इक्विलेंट इफ़ अगर रो इक्विलेंट होंगी दे हैव द सेम रो स्पेसिस रो इक्विलेंट तब होंगी तब उनके दरम्यान जो स्पेस है वो वो भी सेम होगी तो ये इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ है दी द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दोलूशन सेट ऑफ एक्स इक्वल जीरो एज़ फोर मल्टीप्लाई बाई फोर मैट्रिक्स मतलब कि फोर फोर उसका जो ऑर्डर है वो फोर फोर बताया हुआ four rows है फोर उसमें रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ऑफ रैंक जीरो द यूटिलिटी ए इज़ इक्वल है जीरो तो uh, उन्होंने पूछा हुआ है न्यूलिटी है नल का मतलब क्या होता है के कुछ भी नहीं है खाली है स्पेस है तो नल के लिए हम जो ज़ीरो को यूज़ करते हैं नल जिसमें कोई भी करेक्टर नहीं होता उसको हम एज ए नल कहते हैं तो इसके लिए हम ज़ीरो यूज़ करेंगे ओके इफ़ लैमडा प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ द करेक्टरस्टिक्स पोलिनोमिनल ऑफ मैट्रिक्स सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इक्विलेंस ऑफ सी तो यहाँ पे उन्होंने हमें सी की वैल्यू पूछी हुई है जो लैमडा प्लस टू है एक फैक्टर है पोली नोमिनल ऑफ मैट्रिक्स सी तो ये लैमडा की जगह पे हम सी को पुट करेंगे तो सी सी किसके इक्वल आ जाएगा दो दो के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे इफ़ ए इज़ एन एम एमजरेबन मैट्रिक्स टेन रैंक ए इज़ इक्वल नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स इन द सोलूशन ऑफ ए एक्स इक्वल जीरो न्यूलिटी रैंक ये है और न्यूलिटी क्या है द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द जनरल सोल्यूशन ए एक्स इक्वल जीरो तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन है इसका द रैंक ऑफ थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स इज इक्वल ए बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ नन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ साइज़ ऑफ टू थ्री बाई वन एंड नन जीरो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ साइज़ वन जीरोप थ्री तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ईज़ा तो थ्री बाई वन है तो इसके लिए जो बी मैट्रिक्स है वन जीरोप थ्री तो उसके उसकी जो आउटपुट है वो वन आएगी यहाँ पर उन्हें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पूछी हुई है लास्ट वन है जी रैंक ऑफ़ दी मैट्रिक्स मैट्रिक्स रैंक क्या होती है जिसमें जो ख़ुद इंडिपेंडेंट हो अपने ऊपर और उनके ऊपर जिनमें वन आ रहा हो और उनकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम से ज़्यादा ना हो तो उसके लिए वो उसकी रैंक कहलाती है रैंक इक्वल होती है लास्ट है जी एन एन जेरेब एन मेट्रीज इज़ डाइग्नोलजिबल इफ़ एंड ओनली इफ एज़ली इंडिपेंडेंट इक्विलेंट इक्विलन तो उसके लिए हमारी ए की जो वैल्यू है एन जरअब एन ऑर्डर की तो डायग्नोलिजिबल है तो उसके लिए हम हमारे पास जो ए हैज एज लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा जब हमारे पास एन प्लस वन आउटपुट होगी ये था जी हमारा आज का एम टी एच का कोज़ उम्मीद है कि आपकी इससे हेल्प होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए Um uh, we'll tap in the next video, man. Thank you so much for watching my video. A love, peace.